Okay, so now we will start with ki efforts made by the government to improve living standard of people living below poverty line. अब ये जो हमने आगे पढ़ा कि ये factors जो हैं, right? What are the features of the people living below poverty line? Right? We discussed each and every point. अब let us study कि what efforts the government is making. Yeah, what efforts the government has made to actually improve the living standard of these people. Who? The people who are living below poverty line, right? Unke liye government kya karti hai? Income of people living below poverty line is very less in cities as well as in villages. Such families are called Antyodaya family or families living below poverty line. We discussed right now the features, right? और उसमें हमने discuss किया था कि जो families जिनकी income कम है, right? वो फिर चाहे वो cities में रहते हो या villages में रहते हो, right? अब वो जो income जिनकी कम है, they all come in the category of below poverty line और उन families को बोला जाता है Antyodaya families. After finding out such families, government has started public distribution system on the basis of ration card. अब government ने सबसे पहले क्या किया? Government ने find out किया कि कौन से लोग हैं जो who fall in this category, मतलब who which families are falling in the category of below poverty line, right? जो हमने features देखे वो सारे जो है फीचर्स को देखकर पता चला कि दीज पीपल आर फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ दीज फैमिलीज आर फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया. अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी उनको जो है प्रॉपर राशन कार्ड देखकर उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की चीजें हैं एवरी मंथ उनको दी जाए, राइट? मतलब आपने देखा होगा कि है ना जो फोर्थ क्लास लेबरर्स वगैरह उनके राशन कार्ड पे उनको जो है चीजें मिलती हैं, द बेसिक नेसेसिटीज मिलती हैं जैसे राइस, वीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, केरोसिन, राइट? ये सारी रिक्वायरमेंट्स उनको फेयर प्राइस शॉप वाले से मिल जाती हैं. हर एक एरिया में फेयर प्राइस शॉप वाले होते हैं, राइट? और ये कौन? ये गवर्नमेंट के गवर्नमेंट की स्कीम्स चलाते हैं, राइट? और एवरी मंथ जो है ये पुअर लोगों को उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की चीज सच फैमिलीज को मिल जाती है राशन कार्ड के ऊपर. राशन कार्ड इसीलिए देखा जाता है क्योंकि राशन कार्ड पे नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली लिखा हुआ होता है ना? तो उसके अकॉर्डिंगली उनको ये बेसिक नेसेसिटीज की चीजें मिल जाती हैं. It has tried to raise their living standard. अब basic चीजें अगर मिल जाएंगी तो obvious है कि उनका थोड़ा सा standard of living जो है वो rise हो जाएगा. Concept of poverty was first propounded by director of WHO. For calculating poverty line, certain factors are considered, which includes expenditure on food, clothing, accommodation, education, health, clean drinking water, electricity, sanitation facilities, transportation facilities, and income as well as the intake of calories. On the basis of these factors, a particular standard of living is fixed, which is known as poverty line. The concept of poverty line changes according to time, location, and circumstances. अब यहाँ पर ये जो पॉवर्टी का जो कंसेप्ट जो है, it actually is first started by a director of WHO. That is World Health Organization. ठीक है, World Health Organization के डायरेक्टर ने स्टार्ट किया और उन्होंने क्या बोला कि ये जो पॉवर्टी लाइन हम किस बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सपेंडिचर फूड पे कितना करता है पर्सन, वो फैमिली फूड पे एक्सपेंडिचर कितना करती है, क्लोथ्स पे कितना होता है, अकोमोडेशन यानी रहने पे कितना होता है, एजुकेशन हेल्थ पे कितना होता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी,
ये सारी चीजों पे उनका एक्सपेंडिचर कितना होता है एंड उनका इनकम कितना है, एज वेल एज कि कितनी कैलोरीज उनको मिलनी चाहिए. उनका इनकम कितना है, उनका एक्सपेंडिचर कितना है और प्लस उनकी कैलोरीज, क्योंकि अगर हम कैलोरीज की बात करें ना तो डिफर होती है. देखो जो रूरल एरिया में जो गांव के लोग होते हैं ना, उनकी कैलोरीज जो है वो हमसे ज्यादा कैलोरीज इनटेक करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वहां के लोग जो है फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, हम सिटीज के लोग मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं, राइट? उन लोगों का फिजिकल, क्योंकि वो खेती बाड़ी करते हैं, मजूरी करते हैं, राइट? उनका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है. दूसरा, अगर इफ वी सी कि मेल्स का इनटेक ऑफ कैलोरीज इज मोर देन द फीमेल्स, राइट? फिर देन इफ यू सी इनटेक ऑफ कैलोरीज, हम विंटर्स में हमारा कैलोरी इज मोर देन द समर्स, राइट? तो ये जो इनटेक ऑफ कैलोरीज जो है वो भी डिफर करता है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो फिक्स किया जाता है, विच इज नोन एज पॉवर्टी लाइन. अब ये जो पॉवर्टी लाइन, ऐसा जरूरी नहीं है कि आज जिस कंसेप्ट से वो पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया है तो वो हर बार यही चलेगा. नहीं, ये कंसेप्ट चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम, लोकेशन एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना? अब मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी कैसे होती है? देर आर टू वेज ऑफ नोइंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो अभी एक्चुअली हमने डिस्कस भी किया, राइट? किस तरह मेजर किया जाता है? फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज और सर्विसेज बाय अ फैमिली, एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फैमिली. किस तरह हम मेजर कर सकते हैं कि वेदर दिस फैमिली फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी और नॉट, राइट? तो पहली चीज कि एक्सपेंडिचर वो किस तरह कमोडिटीज पे करती है, राइट? कमोडिटीज यानी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, राइट? हमने बहुत सारी चीजों का इधर डिस्कशन किया, वो सारी कमोडिटीज पे किस तरह का एक्सपेंडिचर होता है. दूसरा कि उस फैमिली में टोटल इनकम कितनी है. यू नो, सपोज हो सकता है कि देर आर फाइव मेंबर्स इन द फैमिली एंड ऑल फाइव मेंबर्स आर अर्निंग, राइट? तो फिर उनकी शायद वो एक्सपेंडिचर अर्निंग से ज्यादा करते हो तो दे विल नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी. भाई आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, समझ में आया ना? तो किस तरह डिसाइड होता है, मेजर किस तरह होता है कि पहले तो एक्सपेंडिचर उनका कमोडिटीज और सर्विसेज का कितना है बाय अ फैमिली, कितना एक्सपेंडिचर है उनका, और दूसरा कितना टोटल इनकम है उस फैमिली का. अब इस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि वेदर दे आर इन पॉवर्टी, राइट? अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना. इसी को बेस लेते हुए वी कैन जस्ट कैटेगराइज कि एक पर्सन जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रह रहा है, वन टाइप ऑफ पॉवर्टी इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड द सेकेंड टाइप ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट, पूरा पूरी गरीबी, राइट? अब वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है? दोज पीपल ऑफ सोसाइटी हु आर नॉट एबल टू परचेज द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो अभी मैंने आगे हमने डिस्कस किया फर्स्ट पारा में, ठीक है? कि वो लोग, सोसाइटी के वो लोग जो अपनी बेसिक प्राइमरी नीड्स भी नहीं फुलफिल कर सकते हैं, दे डू नॉट हैव मनी टू इवन बाय द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक फूड ग्रेन्स पल्सेस मिल्क वेजिटेबल्स even at the lowest market rate, right? highest market rate पे तो नहीं, lowest market rate. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज ये फूड्स और ये पल्सेस और ग्रेन्स की बात हुई है, मिल्क और वेजिटेबल्स की बात हुई है. सुबह सुबह आपकी गली में कोई वेंडर आता है, मतलब वो सब्जी बेचने वाला आता है, राइट? फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आता है, सब खरीदते हैं. शाम को जब वो वापस रिटर्न होता है तो आप देखो वही वेजिटेबल्स का दाम वो कम कर चुका होता है, राइट? वो कम कर चुका होता है बिकॉज नाउ इट इज अ टाइम फॉर हिम टू गो होम. अब वो थोड़ी बहुत जो वेजिटेबल्स पड़ी हुई वो सस्ते दाम में देने को भी रेडी है, राइट? एट दैट टाइम ऑल्सो वो लोग, अगर कोई अगर वेजिटेबल्स ना खरीद सके,
एट द लोएस्ट मार्केट रेट में भी अगर ना खरीद सके तो उस पर्सन को हम कहाँ पर डालेंगे, कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। बेसिक नेसेसिटी भी लोएस्ट मार्केट रेट में भी वो नहीं कर पाता, तो दैट मीन्स इज एन एब्सोल्यूट पुअर पर्सन। समझ में आ गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देन कम्स रिलेटिव पॉवर्टी। अभी रिलेटिव का मतलब क्या होता है? इन कंपैरिजन विद। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? इन कंपैरिजन विद। अब एक एग्जांपल देते हैं। अब यहाँ पर बिफोर आई स्टार्ट, ये पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। देखो यहाँ पर ए जो है ही अर्न्स 10,000, बी ही अर्न्स 20,000 एंड सी ही अर्न्स 30,000। ठीक है, अब ये तीनों की इनकम अलग है, ए बी सी 10, 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखा जाए तो इफ यू सी ऑल थ्री, तो इसमें से सबसे रिच कौन है? सी, राइट। सी जो है वो रिच है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी पुअर है। अगर इफ यू कंपेयर बी विथ ए तो वो रिच है, और अगर उसको सी के साथ कंपेयर करेंगे तो वो पुअर है, है ना। इन कंपैरिजन विथ, इन कंपैरिजन विथ। तो जब भी हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं, इन कंपैरिजन विथ, यू नो, व्हेन वी कंपेयर विथ समबडी एल्स, तो फिर हम उस कैटेगरी में फॉल होंगे कि हम शायद किसी और से पुअर होंगे और किसी और से रिच होंगे। यू अंडरस्टैंड? If we look down, there are many people who are earning less than what we have income. So we are richer than them. But if I compare myself with Ambani and Adanis, so I am poor. Right? So that is called as relative poverty. समझ में आया? एक है absolute poverty, जिसमें किसी बिल्कुल कुछ भी नहीं खरीद सकता है बंदा। दूसरा है relative poverty कि कंपेयर करता है तो अपने आप को कहीं ना कहीं पुअर मानता है। ठीक है ना। नाउ आई विल रीड। अ सोसाइटी हैज डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। अमंग देम सम ग्रुप्स हैव लो इनकम इन कंपैरिजन टू अदर्स। सच अ ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी रिलेटिव पुअर। दिस कंसेप्ट इज मोर प्रेवलेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज। राइट, डेवलप्ड कंट्रीज में इसीलिए क्योंकि वहां पर बेसिकली सब लोगों को बेसिक नीड्स तो मिली जाती हैं, बेसिक नेसेसिटीज तो उनके पास है ही, राइट। तो वहां पर रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो मोर प्रिवलेंट है। डेवलपिंग कंट्रीज में देर आर मैनी पीपल हु डू नॉट गेट, हमारी इंडिया जैसे बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो है वहाँ पर मैनी पीपल आर देर हु डोंट इवन गेट देयर बेसिक नेसेसिटीज, तो वहां पर एब्सोल्यूट पुअर पॉवर्टी भी मानी जाती है, होती है। ठीक है, डेवलप कंट्री में एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं होती है क्योंकि बेसिक प्राइमरी नीड्स तो सबके पास है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि इट इज मोर प्रेवलेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये एग्जांपल ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। एज द इनकम ऑफ ए इज लेस इन रिलेशन टू बी, पर्सन ए इज कंसिडर्ड टू बी पुअर। इन द सेम वे इनकम ऑफ ए एंड बी इज लेस इन रिलेशन टू सी, सो दे आर कंसिडर्ड एज पुअर। ठीक है, अगर कंपेयर करते हैं तो पुअर है, अदरवाइज दे आर नॉट। ठीक है, सो इन रिलेशन विथ कंपैरिजन, मतलब अगर हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, वी विल डू टिल हियर एंड द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विथ पॉवर्टी इन इंडिया।